दिल्ली में कल शाम से हुई बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी लेकर आई। बारिश के चलते राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हवाई यात्रा पर भी असर पड़ा और कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ, गाड़ियां रेंगती नजर आई और लोग घंटों जाम में फंसे रहे। द्वारका डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर करीब 2 किलोमीटर तक जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बच्चे जलभराव को पार कर स्कूल पहुंचे और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। बारिश के कारण गाजीपुर में एक 22 वर्षीय महिला और उनका 3 वर्षीय बेटा निर्माणाधीन नाले में फिसलकर गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी में एक घर गिरने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वसंत कुंज में एक दीवार गिरने से एक युवक घायल हो गया। तुकलकाबाद में MP रोड पर एक पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर पेड़ के कुछ हिस्से को काटकर रास्ता साफ किया। निजामुद्दीन स्थित ब्लाइंड स्कूल के पास भी एक पेड़ गिर गया, जिससे हटाने की कोशिश जारी है।